अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम बेला रज़ा जमील है। मैं इदारा तालीम आगई की सरबरा भी हूँ और चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल की बानी भी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ, कौन बादशाह बनना चाहता है, वो दरअसल 28 किताबों का एक मजमूआ है जो एक मिनी लाइब्रेरी है, जो कि हम रूम टू रीड के तवसुत से और पाकिस्तान लिटरेसी प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चल रहा है उसकी एक काविश है। इदारा तालीम आगही इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और यह आपके पास 28 किताबों का मजमूआ आपके सामने होगा। ये 28 किताबें सब की सब जो हैं वो 10 मुल्कों में लिखी गई हैं और उर्दू में इनकी ट्रांसलेशन हुई है। तो आइए इन किताबों को हम आज पढ़ेंगे आपके साथ मिलके। प्यारे बच्चों, कितनी खुशी की बात है कि स्कूल फिर से खुल रहे हैं, हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे और मज़े मज़े की कहानियाँ भी इकट्ठे मिल के सुनेंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाना चाहती हूँ, कौन बादशाह बनना चाहता है। जी हाँ, ये जानवरों के बारे में है, मगर अनोखे से जानवर। ये कहानी दरअसल वियतनाम में लिखी गई और ये रूम टू रीड के तवसुत से आज हमें मौसूल हो रही है। पाकिस्तान में रूम टू रीड ने इदारा तालीम आगही किताब उनसे इसको ट्रांसलेट किया और इदारा तालीम आगही ने इसको प्रिंट किया, पब्लिश किया। ये तर्जुमा जो है वो आरफा नाजली ने हमारे लिए किया, बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा। और आए चले हम इसको पढ़ते हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, आप कहानी को भी गौर से सुने और तस्वीरों को भी खूब गौर से देखिए। जंगल का बादशाह, तो हमें मालूम है तो कौन होता है। जी हाँ, शेर बबर। जानवर रोजाना शेर बादशाह से शिकायत करने आते हैं। बंदर की शिकायत है कि यहाँ केले बहुत कम है। लोमड़ी की शिकायत है कि गिरते हुए पत्तों की वजह से इसकी भट बंद है। हाथी तंग रस्तों की शिकायत करता है। चींटियों की शिकायत है कि इनके खानदानों में बहुत ज्यादा भीड़ है। जानवर हंगामा कर रहे हैं। रोजाना शेर बादशाह को अमन कायम करने के लिए धाड़ना पड़ता है। ये देखिए, इतना धाड़ने से शेर का गला खराब हो जाता है, वो छुट्टी जाना चाहता है। अरे लो भाई, शेर भी छुट्टी जाना चाहता है, लेकिन जंगल बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। शेर सब जानवरों को इकट्ठा करता है और इनसे पूछता है, कौन बादशाह बनना चाहता है। वाह, हाथी खुद अपना नाम पेश करता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। बंदर सोचता है कि इसे बादशाह होना चाहिए क्योंकि वो सबसे तेज रफ्तार है। लोमड़ी ने मशवरा दिया कि बादशाह को सयाना होने की जरूरत है। हाँ भाई, लोमड़ी तो अपने आप को बहुत सयानी समझती है। चूटियां इसमें शामिल होना चाहती है क्योंकि उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। जानवर लड़ने लगते हैं। देखिए, शेर परेशान होने लगा क्योंकि जानवर बहस में लगे हैं कि कौन बादशाह बनेगा। हाथी सोचता है कि चूटी तो बहुत छोटी है। बंदर सोचता है कि लोमड़ी तो बहुत बूढ़ी है। अचानक चूटियां हाथी पर हमला कर देती हैं। हाथी बचने के लिए छलांग मारता है और बंदर से जा टकराता है। बंदर लोमड़ी पर गिर पड़ता है। हर कोई अब तो पहले से भी ज्यादा नाराज है। ये लो, शेर सबसे ज्यादा गुस्से में है। आग बबूला हो रहा है। इसकी धाड़ सबको चुप करवा देती है। आखिर में शेर ही सबका बादशाह है। देखा, आखिर में शेर ही सबका बादशाह है। और बेचारे शेर को छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको पसंद आई कहानी? उम्मीद है कि आप इस कहानी को खूब मजे देकर पढ़ेंगे और हो सकता है इसके ऊपर एक छोटा सा ड्रामा भी करें। देखिए, कौन बनेगा शेर, कौन बंदर, कौन हाथी, कौन लोमड़ी और कौन चूटियां।